ठेकेदारी पर काम करने वाले सफाई कामगारों की समस्या को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वाड़ी नगर परिषद पर मोर्चा निकाला। मनसे जिला अध्यक्ष आदित्य दुरुककर, तहसील अध्यक्ष अनिल पारखी, संगठक दीपक ठाकरे के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। जिनकी समस्या को लेकर मोर्चा निकाला गया, उस मोर्चा में एक भी सफाई कामगार सहभागी नहीं हुए। मनसे नेता ने कहा कि कामगार डर के मारे मोर्चे में शामिल नहीं हुए। मोर्चे में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। मनसे का शिष्टमंडल मुख्याधिकारी को मिला, कामगारों की समस्या पर चर्चा की। मनसे का आरोप है कि सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार की मान वेतन नहीं दे रहे, ईएसआईसी ईपीएफ भी नहीं भरते, सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप मनसे के अनिल पारखी ने लगाया। नगर परिषद गेट पर मनसे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। मनसे के साथ चर्चा के दौरान मुख्याधिकारी ने कहा कि दोनों ठेकेदार को नोटिस जारी की है, उनका भुगतान रोका गया। ईएसआईसी ईएफ की जांच करने के बाद दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में सफाई कर्मचारियों से हमारे संवाददाता ने बात करने पर कामगारों ने बताया कि हमारी शिकायत नहीं है, जो मोर्चा निकाला गया हमें तो पता ही नहीं। हमारे ठेकेदार आनंद सांडे समय पर वेतन देते हैं, सारी सुविधाएं हमें मुहैया कराते हैं, ईएसआईसी ईपीएफ भी काटते हैं। ठेकेदार से कोई परेशानी नहीं होने के कारण हमने मुख्याधिकारी से शिकायत नहीं की। हमें परेशानी होती निश्चित ही शिकायत करते, हमारी शिकायत नहीं है। हमारी एक महिला कर्मचारी की दुर्घटना हुई तो उसे घर बैठे हमारे ठेकेदार वेतन भी दे रहे। सभी कर्मचारियों से बात कर ही मोर्चा निकाला था, लेकिन हमें किसी ने पूछा नहीं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सफाई कामगारों को कोई शिकायत ही नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मोर्चा क्यों निकाला। मोर्चे की दखल लेकर मुख्याधिकारी ने ठेकेदारों की जांच बढ़ाई है। आंदोलन में मनसे जिलाध्यक्ष आदित्य दुरुककर, तहसील अध्यक्ष अनिल पारखी, तहसील संगठक दीपक ठाकरे, दीपक नासरे, सचिन चिटकुले एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। कि मान वेतन के अनुसार 80 लाख का टेंडर निकाला गया, लो टेंडर धारक को टेंडर इशू किया गया, 12 महीने के लिए टेंडर निकाला गया जिसे 5 महीने हुए हैं। शिकायत केवल राजनीतिक पार्टी की है, कामगारों ने अभी तक मुझे शिकायत नहीं की। फिर भी इस मामले को गंभीरता से लेकर ठेकेदार को नोटिस जारी किया, भुगतान भी रोका, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ह्या प्रकारच्या सर्व गोष्टी आम्ही त्यांच्या मोर्चामध्ये सांगितल्या आणि याच्यापुढे आमचे जिल्हाध्यक्ष साहेब आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितल्या आणि आम्ही याच्यापुढे कामगार आयुक्तकडे जाऊ आणि समोरची कारवाई करू की अशा प्रकारचं शोषण हा वाडी नगर परिषदमध्ये कित्येक वर्षापासून चालू आहे, कित्येक वर्ष शोषण चालू आहे आणि हे जे कामगार आहे हे कामगार भीतीपोटी हा नगर परिषद तक्रार करत नाही, आम्हाला फोनवर सांगतात, म्हणून आम्ही आज मोर्चा काढला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आज मोर्चा होता, वाडी नगर परिषदवर कामगारांच्या शोषणाच्या संदर्भात मोर्चा होता। हा कामगारांचं शोषण कंत्राटदार करतोय त्याचे भुगतमान वाडी नगर परिषदच्या अधिकाऱ्यांना करावं लागत आहेत, हा महत्त्वपूर्ण विषय आहे। त्यांचे किमान वेतन जे व्हायला पाहिजे तसं होत नाही असं दिसताना सुद्धा वारंवार निवेदन मनसेतर्फे देण्यात आले आणि त्यावर कारवाई होत नव्हती। आज देशमुख साहेबांशी बोलल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्या सर्व विषयावर सन्माननीय देशमुख साहेबांनी वेतन थांबवलेलं आहे, देयक थांबवलेलं आहे कंत्राटी कामगारांचे आणि यावर तोडगा निघावा म्हणून येत्या 22 तारखेला कंत्राटदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वाडी नगर परिषदच्या अधिकाऱ्यांची एक समूह बैठक बोलवलेली आहे। त्या बैठकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अंतिम निर्णय आणि कामगारांच्या हिताचा निर्णय निघेल अशी अपेक्षा ठेवू नये। आता या विषयावर बोलण्यापेक्षा कृतीत केलेलं पाहिजे म्हणून आम्ही कामगार आयुक्तांकडे धाव घेणार आहोत आणि त्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे प्रामाणिक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून त्यांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। वारंवार निवेदन किंवा आंदोलन हीच भूमिका न घेता यावेळेस अंतिम निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत आहोत। बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटिल।